फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस किचन में। आज की जो रेसिपी है वो एक स्टार्टर और स्नैक्स रेसिपी है जिसका नाम है रवा फिंगर्स या पोटैटो फिंगर्स, और ये बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने फीडबैक और कमेंट देना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि रवा फिंगर्स या पोटैटो फिंगर्स कैसे बनाते हैं। रवा फिंगर्स बनाने के लिए हमें चाहिए है, यहाँ पे मैंने एक कप रवा लिया है, इसे सूजी भी कहते हैं। ये देखिए एक कप है इसकी क्वांटिटी। दो उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने मैश कर लिया है। ये देखिए आधी चम्मच तिल ली है, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वाद के अनुसार, आधी इंच मैंने अदरक लिया, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला लिया, ये ना हो तो गरम मसाला यूज़ करें, आधी चम्मच ओरिगेनो या मिक्स हर्ब्स, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार लीजिए, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा हमें लगेगा तेल, जो भी आप यूज़ करते हो। तो ये होगी इंग्रेडिएंट्स। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसे मैं गर्म कर लूँगी। जब वो गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें पानी डालूँगी, दो कप। ये देखिए दो कप पानी डाल दिया है और इसमें उबाल आ गया है, तब मैं इसमें डालूँगी सूजी या रवा, ये देखिए इस तरीके से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें पकाना होगा। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम ही डालिए। और जब ये इस तरीके से हो जाएगा, पानी सूख जाएगा इसका और ये पक जाएगा, तो इसे हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और इसे हमने ठंडा कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और अदरक, जीरा पाउडर, ओरिगेनो या हर्ब जो भी आपके पास हो, एक चम्मच चाट मसाला, किचन किंग मसाला, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और तिल और कॉर्नफ्लावर मैं मिक्स कर लूँगी इसमें अच्छे से, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। तो अब मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करके हम इसे अच्छे से एक डो बना लेंगे। ये देखिए ये बन चुका है और इसे मैं साइड में रख दूंगी और थोड़ा सा ऑयल लूंगी हाथों में। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऑयल लगा लिया हाथ में, और हमें इस तरीके से थोड़ी सी छोटी सी बॉल उठाना है और इस तरीके से हमें लंबा शेप देना है इसे। ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी पतली पतली हम फिंगर्स बना लेंगे इसकी। ये देखिए इस तरीके से रेडी कर लीजिए। तो मैंने बना के रखे हैं, ये देखिए ये बन गए हैं, सब एक साइज़ के हैं। तो चलिए इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये फिंगर्स डाल दूंगी। ये देखिए एक एक करके सारे डाल दीजिए और इन्हें हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा इन्हें। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रहेगी। ये देखिए ज़्यादा तेज़ में ना तलें। तो देखिए ये बन के रेडी हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गए हैं हमारे रवा फिंगर्स। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला ताकि ये और भी चटपटे हो जाएँ, और इसे मिक्स कर लेंगे हम। तो लीजिए तैयार हैं अब हमारे रवा फिंगर्स या पोटैटो फिंगर्स। ये खाने में बहुत ही यमी हैं। आप इसे सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें।